Hey awesome learners, welcome to the channel. And yeah, as you're seeing on the chart, this is a weekly chart of Maruti Suzuki India. And today is 30th of July and I'm taking you to the trade weekly chart of this मारुति सुजुकी. जैसा कि मैं आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक वीकली चार्ट है मारुति सुजुकी का. और आज हम लोग वैल्यू एरिया कॉन्सेप्ट बाय लॉरेंशियो डामेर का यूज़ करके देखने जा रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है. गाइस, बिटकॉइन का लाइव एनालिसिस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. इसलिए आज मैं और एक वीडियो लेकर के आया हूँ. एंड या ऑफकोर्स यार, और चैनल इज ऑल्सो ग्रोइंग. बिटकॉइन वाला एनालिसिस ऑलमोस्ट सही था, ठीक है. तो आते हैं हम लोग इस पर एनालिसिस करके हैं, ठीक है. सो गाइस, वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो जो मैं ऑरेंज लाइन से ड्रॉ किया हूँ, ये आप देखिए, मैंने इस पे मार्क किया है वैल्यू एरिया लो POC और वैल्यू एरिया हाई. मार्केट का ऑलमोस्ट यही ट्रेंड लाइन है जिस पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ रहा है, ठीक है. ये देखिए, यहाँ पर मार्केट आया, इस पॉइंट पर एक सपोर्ट लिया, फिर इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट. सो मैंने इसे ड्रॉ किया है, ठीक है. उसी तरह ये एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जहाँ पर मैक्सिमम टाइम मार्केट आ रहा था, तो ये डैश्ड लाइन से मैंने POC ड्रॉ किया है. एंड वैल्यू एरिया हाई जहाँ पर मार्केट जो है रेजिस्टेंसेज ले रहा था कभी कभी, ठीक है. सो गाइज, और एक बात मैं दिखा दूँ, दिस इज़ अ वीकली चार्ट. उसके बाद जो है मैंने कहीं कहीं पर देखिए डाउन ट्रेंड के लिए भी एक डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री के लिए भी एक वैल्यू एरिया ड्रॉ किया हूँ, ठीक है. सो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री फॉर द वैल्यू एरिया इन द डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है. सो इसी के पैरेलल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है. इसी के पैरेलल मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एरिया और ड्रॉ किया है डैश लाइन से. ये जो आप ब्लू डैश लाइन से देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है. मैं इसका बताऊँगा कि मैंने इसे क्यों ड्रॉ किया है और मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, अभी किस तरह का करेक्शन के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है. सो गाइज, ये मेरा वीकली चार्ट था अभी तक. और ये जो आप और ये जो लाइट ब्लू कलर से यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू एरिया, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वैल्यू एरिया और मार्केट जो है इसमें इस तरह से करके डैश लाइन में ट्रेड कर रहा था. तो इसको मैंने एक्सटेंड किया है आगे फ्यूचर के लिए, देखता हूँ कि किस तरह से ये फॉलो होता है, ठीक है. सो गाइज नाउ, और अभी करंट वैल्यू एरिया जो मार्केट में चल रहा है उसे भी हम लोगों ने ड्रॉ किया है. ये वाला जो आप ट्रेजेक्ट्री देख पा रहे होंगे, जो करंट ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं आप मार्केट में, ये देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है. तो इसके लिए भी हम लोगों ने VAH, VAL इन सबको मार्क किया है, ठीक है ना. सो गाइज, दिस इज ओके. सो नाउ मैं आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में लेकर के चल रहा हूँ. दिस इज माई 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है. डेली टाइम फ्रेम, ठीक है. अभी देखिए, इस पर आप जब आएंगे तो आपको और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है. तो क्या हुआ था, मार्केट इस वाले ऑरेंज वाले ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए धीरे 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 करके ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है. और ये वाले ब्लू प्रोफाइल को लेकर के मार्केट हर बार नीचे आके सपोर्ट लेता था दोबारा से, है ना. तो अभी देखिए करंट स्टेट में मार्केट जो है, आप जो वैल्यू एरिया सबसे मेरा ये वाला जो वैल्यू एरिया लाइन ड्रॉ किया हूँ, थर्ड वैल्यू जो पिछले से जो वैल्यू एरिया आया था, उसी वैल्यू एरिया पे मार्केट पहुँचा हुआ है कहीं ना कहीं, उसके वैल्यू एरिया लो तक पहुँचा हुआ है, ठीक है ना. ठीक है, और एक चीज़ देख रहे होंगे आप, ये लेकिन मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई, जो ऑरेंज वाला लाइन है उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू एरिया हाई पे है. सो हमको क्या देखने को मिल सकता है गाइस? तो गाइस, इस तरह का सिनेरियो जब भी होता है, अभी हम लोग क्या हुआ कि दिस इज एक चीज़ और मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो मेरा वैल्यू एरिया है, दिस इज वैल्यू एरिया, मान लीजिए इसको हम वैल्यू एरिया 3 बोल देते हैं, ठीक है. दिस इज माई वैल्यू एरिया 3, ये जो ब्लू वाला रीजन है. और दिस इज, और एक ठो मार्क कर देते हैं हम लोग, ठीक है. इसको मैं बोल देता हूँ वैल्यू एरिया 2, ठीक है. और ये जो ऑरेंज वाला जो है, दिस इज माई वैल्यू एरिया 1, ओके. ओके, उसको भी मैं लिख देता हूँ क्या है, एक मिनट रुकिए, ताकि क्लैरिटी आएगा, क्लमजी नहीं दिखेगा, है ना. वैल्यू एरिया 2. गाइस, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर हियर, ओके. एंड या दिस इज, ये जो ऑरेंज वाला लाइन है, दिस वैल्यू एरिया 1, क्योंकि ये मेरा बेस वैल्यू एरिया है, ठीक है. वैल्यू एरिया 1, ठीक है ना, जो मेरा इंक्लाइंड पाथ है. सो वैल्यू एरिया 2 पे हम लोग लो पे हैं, और वैल्यू एरिया, ओके, दिस इज वैल्यू एरिया 3, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गलती लिख दिया था, सॉरी गाइस, ओके. सो दिस इज माई वैल्यू एरिया 3, थर्ड लाइन, ठीक है, ओके.
सो वैल्यू एरिया थर्ड को हम लोग ने ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, वैल्यू एरिया थ्री को ब्रेकडाउन दे करके यहाँ सपोर्ट लिए हैं। आप जब देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीन लाइन्स है ना गाइस, ये अब ग्रीन कैंडल्स थोड़े से जो है वो छोटे होने लगे और रेड कैंडल्स का जोर अभी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों ने एक तो हैमर कैंडल भी बना दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये एक हैमर कैंडल है और ठीक है गाइस, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है यह वैल्यू एरिया हाई से अगर रिजेक्शन ले लेता है तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस वाले ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके लोअर को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। सो देयर इज अ प्रीटी गुड चांस, क्यों, क्योंकि हम लोग सबसे पहले तो ऑरेंज वाले मतलब वैल्यू एरिया वन के हिसाब से हम लोग हाई पे हैं और लॉन्चेड अमेर के कॉन्सेप्ट पे आप हाई पे सेल करते हैं तो मैक्सिमम लोग जो होंगे वहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे। और सबसे बड़ा बात, ये वैल्यू एरिया टू के हिसाब से हम लोग वैल्यू एरिया लो पे हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर तो एक्सेप्टेंस मिलेगा तो अगर एक्सेप्टेंस मिलेगा तो वी आर प्रीटी मच श्योर कि एक्सेप्ट मिलेगा तो मार्केट यहाँ से मान ली सपोर्ट ले लिया, अगर फिर इसको ब्रेकडाउन देकर यहाँ आया तो कहीं ना कहीं हम लोग वैल्यू एरिया हाई का 9300 का लेवल तक पहुँचने का एकदम चांस रहेगा, ठीक है, बट एक करेक्शन होने का चांस मेरे को ज़्यादा लग रहा है। सो गाइस देखते हैं किस तरह से ये एनालिसिस प्रोसीड होगा, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, उससे 2 आवर टाइम फ्रेम में उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जब जब मार्केट क्या हो रहा था, अभी जब मार्केट लो पे था हम लोग क्या होता है, ग्रीन कैंडल्स और गैप अप हो रहा था, बहुत बार गैप हो रहा था और वो ऊपर जा रहे थे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल्स भी आपको देखने को मिल रहा है। बट क्या हुआ, अभी रिसेंटली जब हम लोग ऑरेंज एरिया में पहुंच गए हैं, मतलब वैल्यू एरिया हाई में, मतलब वैल्यू एरिया वन का VAH लाइन वन पे पहुंचे हैं, तो हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं, देखिए कितना जोर का सेलिंग प्रेशर है, देख रहे हैं, रेड कैंडल्स का इंटेंसिटी देखिए। तो गाइस यही एक ट्रेडर का आर्ट होता है कि वो किस तरह से मार्केट का इंटेंसिटी को पहचान लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेड कैंडल्स का इंटेंसिटी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को, ओके, सो देयर प्रीटी मच चांसेस कि तो देखते हैं गाइस किस तरह से मार्केट प्रोसीड करता है। हम लोग इस पे विल कंटिन्यूसली मेक वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस ताकि वी कैन ट्रैक हाउ इज आवर प्रोग्रेस गोइंग, और बाकी मैं पिवट के बेस पे भी इस पे कुछ वीडियोस लेकर के आऊँगा, है ना, ओके, कि जब हम लोग डे ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो डे ट्रेडिंग में किस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा मेरे लिए, ओके। सो गाइज थैंक यू बिटकॉइन के वीडियो को भी सो मच ऑफ प्यार देने के लिए, एंड या माई चैनल इज रियली ग्रोइंग बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइज, ओके, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, थैंक यू, लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर।